ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपदं सहगणललितं श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि भगवान राम वनवास में है और भारत उनको वापस लेके आने के लिए वो आया और प्रयास किया, राम को समझाया कि आप वापस आइए अयोध्या और राजा बन जाइए। लेकिन बाद में राम ऑफ कोर्स वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तो 14 साल तक नहीं जाऊंगा। विशेष जब उनको पता हो गया कि पिताजी दशरथ एक्सपायर हो गया, देहांत हुआ, तब बीच में उन्होंने कहा कि मैं तो कभी नहीं जाऊंगा वापस अयोध्या। फिर भी बाद में ऐसे निर्णय हुआ कि जब राम 14 साल के बाद आएंगे वो तब राजा बन जाएंगे, तब तक भारत संभालेंगे। और भारत ने अयोध्या में नहीं परंतु अयोध्या के आसपास गांव में नंदीग्राम में उनने वहाँ से उनने पूरा राज्य को देखभाल किया। साधु के रूप में उनने भगवान राम की अभिषेक और पूजा किया और सेवा किया राम के दास के रूप में। इस प्रकार जब भारत वापस चले गए और तब चित्रकूट में राम ने वहाँ वास किया, सीता राम लक्ष्मण और हनुमान भी नहीं तो सीता राम और लक्ष्मण वहाँ रहते थे। लेकिन बात ये है कि वहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे वो परेशान थे और विचार करते थे कि हम जाएंगे यहाँ से कहीं और। कारण क्या है? अभी जब राम ने देखा कि ये सब ऋषि मुनि परेशान है तो उनने पूछा कि मेरे वजह से आप लोग परेशान हैं? तो बोला कि नहीं, आपके वजह से कभी नहीं हो सकते, परंतु बड़े असुर यहाँ रहते हैं और ये असुर बार बार परेशान करते हैं, इतना परेशान करते कि हम लोग अपनी धर्म जो या पूजा है यज्ञ है वो सब पालन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये लोग हमको बार बार परेशान करते, बार बार जूता कर लेते। यहाँ पर एक बात है, एक पॉइंट हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि ये त्रेता युग था, त्रेता जतो मका है, त्रेता युग में यज्ञ करना ये मुख्य प्रोसेस है। तो ऋषि मुनि ने सब यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ को करने के लिए उसमें बहुत सारे नियम हैं और एक है पवित्रता होना चाहिए, बहुत सारे नियम, पवित्रता शुद्ध होना चाहिए। तो ये असुर जो है वो सारे यज्ञों को अशुद्ध कर दिया, खून के माध्यम से मांस मल मूत्र ये सब फेंक देते वहाँ पर और ऋषियों का शरीर भी गंदा कर दिया ऐसे। तो यहाँ हम देख सकते कि ये कितना देखना है, कितना पालन करना चाहिए
कितना सारे चीज कलयुग में हम खुद नहीं कर पा रहे इतना, इसीलिए कलयुग में हरि नाम मुख्य उपाय है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरि नाम से सारे यज्ञ यज्ञाओं का फल पूरी हो जाते, संकीर्तन यज्ञ। परंतु उस समय, और बात यह है कि अभी अगर असुर भी कुछ करेंगे जो करते ही फिर भी हरि नाम में कोई बाधा नहीं हो सकते। मतलब अगर बाघ गंभीरता से जप करते और कीर्तन करते तो कोई असुर रुक नहीं सकता है। जितना भी अशुद्ध करेंगे हरि नाम तो बोल सकते हमेशा, लेकिन उस समय यज्ञों में प्रॉब्लम था बहुत। इसी ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम उस समय उसके हिसाब से ये सब करना था, क्योंकि ऋषि मुनि ये बात होगा, ऋषि मुनियों को रक्षा करना था राक्षसों से, तो ये क्षत्रियों का सेवा था। जब भी सारे ऋषि मुनि बहुत पावरफुल थे, वो इतना शक्तिशाली थे कि वो खुद सारे राक्षसों को मार सकते थे मंत्र के माध्यम से। परंतु ये सब करने से ऋषियों का जो शक्ति है, जो तपस्या करने से जो शक्ति प्राप्त किया पुण्य, वो कम हो जाता है। इसलिए ये कभी नहीं करते हैं वो, इसलिए क्षत्रियों को ये सेवा देते हैं कि क्षत्रियों का कर्तव्य है ऋषियों की सेवा करना, रक्षा करना। तो राम तो बहुत कुछ थे, जब उन्होंने सुना कि ये बहुत सारे असुर हैं, तो मैं उन्होंने बोला फाइनली कम से कम मुझे कुछ सेवा का मौका मिलूंगा, कुछ सेवा हो जाएगा कि असुरों को मैं मारूंगा, तो ये बात हुआ। तो वास्तव में खारा और दूषण ये दोनों राक्षस जो मुख्य थे वो परेशान करते थे ज़्यादा। तो वहाँ पर अभी बात हुआ कि ये ऋषि मुनि बोलते थे फिर भी हम जाएंगे दूसरी जगह, तो राम को भी बुलाया। तो राम सबसे पहले सोचा नहीं, मैं चित्रकूट में ही रहूँगा, आप लोग जाइए अगले जगह, तो मैं यहाँ रहूँगा। लेकिन बाद में उनने विचार किया कि भारत यहाँ पर आए और अयोध्या वासी सब लोग, तो बार बार ये विचार आएगा, इसीलिए मैं भी यहाँ से जाऊँगा, तो वो भी अलग जगह गए। तो कहाँ गया और ये सब अभी डिस्कस करते हैं। वो रास्ते में जब जाते थे एक असुर को मिला, और ये असुर का नाम था क्या नाम था, वास्तव में एक बार असुर रास्ते में पहुंच गया और वो सीता को पकड़ लिया और चले गए। ये बात हुआ। तो और बोला कि ये आपकी जो वाइफ है वो मेरा वाइफ हो जाएगी और तुम लोग भागो यहाँ से, नहीं तो आपका खून पीऊँगा। राक्षस तो खून ही पीते। तो ये बहुत भयानक असुर थे। उनका नाम था विराधा। तो वास्तव में ये असुर ने आशीर्वाद मिला कि वो कोई अस्त्र से नहीं मर जाएंगे। तो जब लक्ष्मण और राम अटैक किया, क्योंकि तुरंत उन्होंने तीर और धनुष उपयोग किया असुर को मारने के लिए, तो बाद में वो जितना भी मारा तीर तो फिर भी नहीं मर गया। तो तब ये दोनों हाथ से उनको उसको मार दिया, हाथ पांव से उसको लात मार दिया सब, और फिर भी असुर नहीं मारा। तब राम ने बोला कि लक्ष्मण तुम जल्दी एक बिल बनाओ, एक होल,
तो उसको हम अंदर मिट्टी के अंदर में उसको रखेंगे तो ऐसे मर जाएंगे। तो तब राम ने पकड़ के रखा असुर को, राक्षस को, और लक्ष्मण ने ये एस्केवेट किया। तो तब बीच में ये विराधा, उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं गंधर्व था और मैं श्राप मिला, इसलिए राक्षस बन गया। रामबा के साथ कुछ रामबा एक अप्सरा थी, तो उसको उन्होंने मतलब उनके साथ प्रेम करने के लिए प्रयास किया, तो कुबेर ने ये गंधर्व को श्राप दिया, वो असुर बन गया। उन्होंने कहा कि ये था कि मेरा मुक्ति हो जाएगा केवल जब राम आपको मारेंगे, तो इसीलिए ये उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, कि आप मुझे उस मिट्टी के अंदर रखिए तो मैं ऐसे इस श्राप से मुक्त हो जाऊँगा। तो ये बात हुआ वहाँ पर। तो यहाँ पर कमेंट है कि वास्तव में उस समय बड़े राक्षस भी, असुर भी जानते थे कि हम शरीर नहीं है, नहीं, वो जानता था कि मैं वो था, अभी दूसरा शरीर प्राप्त किया, अभी जब मर जाऊँगा तो मैं नहीं मर जाऊँगा परंतु मैं श्राप से मुक्त हो जाऊँगा। हाँ, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर कमेंट है, कुछ बात बोलते कि इस रामायण में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, परंतु हम देख सकते कि कमेंट में है। Therefore Lord Chaitanya has shown his special mercy by delivering the easiest and most sublime method of self-realization, the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो मतलब कि व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त हो सकते और समझ सकते कि हम आत्मा हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी है रामायण के अंदर। तो इस प्रकार वहाँ पर ये असुरों को मारने के बाद एक महान ऋषि रहते थे, उनका नाम था साराभंगा। साराभंगा ऋषि के आश्रम के आसपास वहाँ अरावत थे। अरावत मतलब ये इंद्र के वाहन है, तो इंद्र वास्तव में साराभंगा ऋषि के पास था। अभी अलग आचार्य अलग थोड़ा कमेंट देते, बट ये है वर्णन है कि साराभंगा ऋषि उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या, तो अभी उनका फल देने के लिए स्वयं इंद्र आए थे उनके पास, और इंद्र साराभंगा ऋषि से बात कर रहे हैं, उनको बताते अभी आपका फल हो गया, आप ब्राह्मण लोग जा सकते, ब्रह्मा जी आपको बुला रहे सत्य लोग ब्राह्मण लोग जाने के लिए। तो साराभंगा ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा तो भी मर जाते हैं, अच्छा तो तुम इंद्र तुम मुझे धोखा मत दीजिए, मुझे ब्राह्मण लोक नहीं जाना है, मुझे जाना है उसी जगह में जहाँ पर जहाँ से कोई वापस लौटना नहीं है, वैकुंठ मुझे जाना है। तो इंद्र ने कहा तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो आपका जो हेतु है उद्देश्य है तो बहुत उच्च है, और वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। तब उसी समय राम लक्ष्मण और सीता उसी आश्रम में प्रवेश किया और सब लोग खड़े होकर भगवान राम को प्रणाम दे दिया। तब साराभंगा ऋषि ने कहा हो गया, अभी मैंने प्राप्त किया। तो मतलब कि भगवान राम के दर्शन से उनका गति पूरी हो गया, उनका उद्देश्य इच्छा पूरी हो जाएगा। तो वहाँ पर ये इससे हम सीख सकते कि साराभंगा ऋषि जानते थे ये स्वर्ग लोग और कोई भी लोग इस जगत में वो सब जगह में पुनर्जन्म है, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है पुनर्जन्म को पार करना। गीता में भी वर्णन है कि
అబ్రామా భువనాలోక పునరావర్తినోర్జున మామోపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే. కృష్ణ నే కహా కి బ్రహ్మలోక్ సే లేకర్ పత్థల్ లోక్ తక్ పునర్జన్మ కి జో చక్కర్ హై వో చల్ రహా హై. तो सराभंग ऋषि भी जानते थे कि ब्राह्मलोक में भी पुनर्जन्म है, तो वहाँ पर क्यों जाऊँगा? अगर इतना तपस्या किया तो मुझे भगवान के पास जाना, पुनर्जन्म ना भी देते, दोबारा जन्म नहीं देखना है मुझे. तो जब राम का दर्शन मिला तब समझ गया कि अभी अभी तो संभव है भगवान की कृपा से. सराभंग ऋषि जानते थे कि राम कौन है. एक्चुअली उन्होंने वो जानते थे भी कि राम है आसपास, उन्होंने प्रतीक्षा किया कि उनका दर्शन होगा. उनका दर्शन मिलने से उनका वैकुंठवास हो जाएगा. और वास्तव में ऐसे हुआ. वहाँ पर इंदिरा जब चले गए वहाँ से तो बात हुआ कि मुझे मेरा उम्र हो गया, अभी मृत्यु का समय आ गया. उन्होंने बोला कि आप भगवान की आपकी उपस्थिति में मुझे शरीर परित्याग करना है. तो वानर ने कि राम ने आशीर्वाद दिया उस समय, और सराभंग ऋषि ने अपने सिद्ध शक्ति से उन्हें अपने आप आग जलाया शरीर में, और शरीर जल गया राम के सामने. तो राम नाम बोलने से वो वैकुंठ में गया. अभी कई जगह में लिखते हैं कि वो ब्राह्मलोक में फिर गए और ऐसे, लेकिन उससे विशेष कांबा रामायण में वर्णन है कि वो वैकुंठ में गए क्योंकि उनका इच्छा था और वो राम की उपस्थिति में ये प्राप्त हो गया. इस प्रकार सराभंग ऋषि. तो हम लोग भी आजकल लोग ज़्यादा मीन्स ज़्यादा तो कोई प्रयास ही नहीं करते कहीं और जाना. लोग इस दुनिया में वैकुंठ को बनाना चाहते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं है, लग रहा है कि अभी नरक जैसे हो रहा है यहाँ पर. तो लोग अज्ञान के वजह से इसी नरक की परिस्थिति में भी इंद्रिय भोग करना प्रयास चाहते हैं. वास्तव में ज़्यादा तो ज्ञान ही नहीं है. वैकुंठ मतलब क्या? बिना कष्ट प्राप्त करना और बिना किसी को कष्ट देना भी. आजकल तो सब लोग अपने सुख के लिए दूसरे लोगों को कष्ट देते, दुख, तो उसका परिणाम है स्वयं दुख प्राप्त करते. कर्म का सिद्धांत इस प्रकार की है, इसीलिए सब लोग दुखी हैं. सब लोग सोचते कि मेरा इंद्रिय भोग से वास्तविक सुख होगा. भगवद गीता में तात्पर्य में मतलब ये 17 अध्याय, तो वहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जितना हम ज़्यादा इंद्रिय भोग के बारे में विचार करते हैं इतना ज़्यादा हम असंतुष्ट. क्योंकि ये मन का एक तपस्या है. मन की तपस्या है कि संतुष्ट रहना. तो मतलब अगर मन में हम इंद्रिय भोग के बारे में विचार करते हैं तो मन अपने आप असंतुष्ट हो जाएंगे. जितना हम कम इंद्रिय भोग के बारे में विचार करते इतना हम शांत और संतुष्ट हो सकते हैं. और क्या सोचना है? तो कैसे हम भगवान को याद कर रहे हैं, कैसे हम मंत्र हरे कृष्णा ये दूसरे भगवान का गुणगान करते अलग तरीका में, अलग तरीक़े से, और हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं. शिला प्रभुपाद वहाँ क्वोट कर रहे हैं कि महाभारत रामायण और पुराणों में बहुत सारे कथाएँ हैं, स्टोरीज हैं, जिसके बारे में अगर हम वो पढ़ते और सुनते और विचार करते इस चीज़ों के बारे में तो अपने आप मन संतुष्ट हो जाएंगे. अरे असुर आ गया, हरे कृष्ण. तो मन कैसे संतुष्ट हो जाएंगे अगर हम भगवान के लीलाओं के बारे में भागवत रामायण महाभारत से श्रवण करेंगे. जितना हम अभी अनुभूति है, जितना हम ज़्यादा राम के बारे में रामायण के बारे में अध्ययन करते और विचार करते कैसे हम बताएंगे, और हम बताते भी तो अपने आप मन संतुष्ट है, आनंद है, कोई चिंता नहीं है क्या होगा, कोरोना वायरस क्वारंटीन मतलब कब तक ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो. बस हम भगवान के बारे में
डिस्कस करेंगे और इस प्रकार हम संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ खुल जाएगा, सब फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंद्र भोग के बारे में विचार करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि अभी राम आगे पहुंच गया। सुतिक्षण, सुतिक्षण जो ऋषि थे वहां पर राम आए गए। और ये कहाँ हुआ वास्तव में? राम वास्तव में उन्होंने उनको दिया जो सुतिक्षण ऋषि है, सुतिक्षण ऋषि है, उन्होंने अपना आश्रम दिया राम को। ये दंडकारण्य वन में था, लेकिन वो बहुत दंडकारण्य तो बहुत बड़ा वन है, बहुत सारे ऋषि मुनि। और वहाँ पर वर्णन है कि राम ने अलग अलग ऋषियों से मिला, पूरा जंगल में वो रहते थे। लेकिन बात हुआ कि ऐसे ऐसे रहते, कभी कभी दो तीन दिन रुका, कभी एक हफ्ता भी रुका किसी के घर पे, कभी कभी एक साल भी रुका। तो मतलब इस प्रकार वर्णन है कि 10 वर्ष पास हो गया दंडकारण्य में, 10 वर्ष पास हुआ ऋषियों के साथ। तो बाद में भगवान की इच्छा थी कि मैं अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि भी रहते थे वहाँ, तो अगस्त्य ऋषि से मिला। तो अगस्त्य ऋषि अगस्त्य ऋषि ने बाद में आदेश दिया, मतलब भगवान उनसे पूछा कि मैं कहाँ रह सकता हूँ यहाँ पर। तो अगस्त्य ने कहा कि आप जा सकते पंचवती, पंचवती के लिए अगस्त्य ने बोला वहाँ जाने के लिए। तो जब राम पंचवती गए तो वहाँ रास्ते में वर्णन है कि एक बड़ा पक्षी आया। तो राम और लक्ष्मण वो सोचे कि असुर है शायद। तो राम जब उनसे पूछा तुम कौन है ऐसे, तो बड़ा बड़ा मीन्स बड़ा बड़ा पक्षी है, गरुड़ जैसा है। तो तब उनने आपने बारे में बताया कि वो कश्यप मुनि के पुत्र है और उनका नाम है जटायु। और तब जब राम आपने बारे में बताया कि वो दशरथ के पुत्र है, तो जटायु ने कहा कि अरे दशरथ, तुम हम दोनों मित्र थे, हम बहुत 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 पहले हम साथ थे, हम युद्ध करते थे मतलब असुरों से। ये पूरा बताया कि कैसे वो एक साथ रहते थे। वो जब समझ गया जटायु कि दशरथ शरीर परित्याग किया, वो बहुत रोया, जटायु बहुत रोया। तो बोले तो तब ये जो पूरा पृथ्वी है उसमें कोई जीने का कोई लाभ नहीं है अगर दशरथ नहीं है। इतना अच्छे व्यक्ति थे कि मतलब पूरा दुनिया के अंदर में कोई पुण्य ही नहीं है अभी, ऐसे उन्हें गुणगान किया दशरथ का। तो ऐसे हुआ कि जटायु ने कहा कि मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। और जटायु ने वो पंचवती तक
वो गए वहाँ पर उनके साथ, और जटायु का ये था उनने भी राक्षस, क्योंकि वो राक्षसों को खाते थे। अभी कंब रामायण में वर्णन है कि उन्होंने राक्षसों को पकड़ लिया और यमराज को दिया, और रामराज जो उनको कुछ दिया वो उनने राक्षसों को खाया, जब रामन यमराज की प्रसाद जैसे ऐसे कुछ वर्णन है। तो उन्होंने कहा जताया कि मैं रक्षा करूंगा आप लोगों की। तो पंचवती में दोबारा ये शुरू किया, एक कुतिया बनाया लक्ष्मण और ऐसे रहने के लिए, और बिल था वहाँ पर भी इसलिए रहने के लिए। तो एक बार एक राक्षसी आए वहाँ पर, जो जब राम को देखकर बहुत आकर्षित थी, और वो राक्षसी, क्योंकि राक्षस लोग देखने में सुंदर नहीं है, वो बहुत क्रूर है बहुत, लेकिन वो क्योंकि राक्षसों के पास सिद्धि है तो अपने शरीर ने चेंज किए, बहुत सुंदर लेडी औरत के रूप में आए वहाँ पर राम को आकर्षित करने के लिए, और राम का गुणगान कि आप तो इतना चाहे, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप मेरे पति बन जाएंगे, बन जाओ, और ऐसा बात किया। तो राम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी तो है ऑलरेडी और सीता, तो कौन है, बोले राम। तो आपने परिचय दिया कि मैं शूर्पणखा का हूँ, और मेरी मेरा भाई रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, खारा, दुशान, अच्छा ये तो मतलब राक्षसी है। तो राम ने कहा कि एक्चुअली देखिए मेरा भाई है जो लक्ष्मण है, वो शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप, आपको संतुष्ट, हरे कृष्ण रखिए वहाँ बाद में लो, हाँ ठीक है। तो बाद में उन्होंने कहा कि कि लक्ष्मण आपको पसंद करेंगे, उनके पास जाओ। तो ये राक्षसी लक्ष्मण से बात की, लक्ष्मण तो ये तो केवल ऐसे खेलने में ऐसे बात हुआ, लक्ष्मण भी संतुष्ट नहीं थे, तो ऐसे कौन स्वीकार करेंगे राक्षस को। लेकिन बात ये था कि जब ये सीता को देखा शूर्पणखा का, वो बहुत द्वेष कर रही थी, और जब सीता को अपमान किया तब लक्ष्मण ने ये शूर्पणखा को बहुत कट किया, क्या बोलते हैं, उनका जो नाक, खान और स्थान वो सब कट किया। तो ये राक्षसी बहुत परेशान हो गया, तो वो अपना असली रूप धारण किया और दिखाया राक्षस रूप, और वहाँ से भाग गए। तो खारा और दूषण के पास गए और बताया कि क्या हुआ, कि ये लोग ने ऐसे किया मेरे साथ। तो खारा ने पहले कुछ राक्षसों को भेजा राम को मारने के लिए, कुछ मतलब 10-15 ऐसे लोगों को भेजा, शक्तिशाली अस्त्रों के साथ सब कुछ। तो जब राम के पास आया तो राम ने ये राक्षसों को कैसे मार दिया, बस चौड़ा तीर लगाया, चौड़ा जो घोड़े हैं राक्षसों का वो मार दिया, और चौड़ा तीर लगाया, एक एक राक्षसों को मार दिया तुरंत, मतलब 14 राक्षस थे, 14, तो ऐसे ही मार दिया सबको। तो बाद में जब समाचार आया उनके पास, खारा के पास, तो वो बहुत परेशान हो गया, ये जो शूर्पणखा कहती है वो बताए कि ये तो ऐसे ही मार दिया, ये लोगों को आपने ख़त्म कर दिया। तो अब खारा
और दुष्यंत पूरा सारे राक्षसों को एकत्रित किया वहाँ पर, और वर्णन है कि 14,000 राक्षसों का आर्मी था और वो सब वहाँ पर गया पंचवती राम को अटैक करने के लिए। तो युद्ध हुआ और राम ने लक्ष्मण को बोला आप सीता की रक्षा कीजिए वहाँ पर बेल के अंदर। तो लक्ष्मण युद्ध नहीं किया, उन्होंने रक्षा किया वहाँ पर, केवल राम ने अपने आप युद्ध किया ये सारे राक्षसों के साथ। तो बहुत बहुत बड़ा युद्ध था, मतलब बड़ा युद्ध मतलब वहाँ अभी विस्तार में वर्णन है कि कैसे लोग ने अटैक किया और राम ने सारे अस्त्रों को कट किया, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। और वर्णन है कि वो लोग ने भी राम को काट किया, लेकिन जो भी तीर लग गया राम के शरीर में लग रहा कि कुछ नहीं हुआ, राम को कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाल्मीकि बताते ना कि कैसे युद्ध हुआ विस्तार में वर्णन है। तो वो कट करते हैं राम को, तो राम और भी गुस्सा हो जाते और भी स्पीड से चलाते हुए। तो वो जब दुष्यंत को मारा, ख़त्म कर दिया, तो वो सारे लोग उनके आर्मी जो थे अटैक किया। तो मतलब राम ने बहुत थोड़ा समय में सारे राक्षसों को मार दिया, मतलब दो घंटे में 14,000 राक्षसों को। तो जो दुष्यंत थे, हाँ, खारा दुष्यंत को मार दिया। बाद में खारो को मारने में बहुत समय लगा, मतलब 2 घंटे के अंदर सबको मार दिया, फिर भी थोड़ा ज़्यादा समय खारा के लिए दिया। ये दुष्यंत था, तो एक्चुअली खारा को तो उसके लिए जब जितना भी मारा फिर भी वो युद्ध किया ये राक्षस। तो वो राक्षस ने बाद में वृक्ष को भी तोड़ा, मारा राम को, बहुत सारे चीज उपयोग किया। एक्चुअली खारा से पहले तिरिशा एक राक्षस थी जिसका 3 सर था, उन्होंने जब युद्ध किया उसको पहले मार दिया। बाद में खारा 1,000 तीर छोड़ दिया राम में, तो राम ने सब कुछ तोड़ दिया। तो ये जो विशेष धनुष था उनके पास, विष्णु धनुष राम के पास, उससे उन्होंने खारा का जो रथ है, जो उसके ऊपर झंडा है, सब कुछ कट किया, सारे घोड़े को कट दिया, खारा को मार दिया, एक बार गिर गया फिर भी वापस युद्ध किया आगे। तो ऐसे ये युद्ध चल रहा था। तो मतलब ये जो राक्षस है काफ़ी पावरफुल है, ऑफकोर्स राम तो तुरंत मार सकते लेकिन बहुत थोड़ा भगवान खेलते हैं, भगवान का भी इच्छा है थोड़ा युद्ध करना। एक्चुअली ये तो अलग बात नहीं है, यही बात है। भागवत में वर्णन है कि भगवान जब वैकुंठ में थे उनका इच्छा था युद्ध करना, लेकिन वहाँ कोई युद्ध करने के लिए नहीं थे, इसलिए जब चतुष्कुमार प्रवेश किया वैकुंठ में तो जय विजय ने मना किया। तो और वहाँ पर चतुष्कुमार ने श्राप दिया जय विजय को, और श्राप था कि ये दो ऑप्शंस था, 7 जन्म भाग के रूप में इस भौतिक जगत में, नहीं तो 3 जन्म असुरों के रूप में। तो ये दोनों ने चुन लिया असुरों के रूप। तो वास्तव में जय विजय जो भगवान विष्णु के नाम के पार्षद है वही राम है, वही
voi conte Hiranyakashipu, Satyayug, Treta Yug mein Ravan, Dwapar mein kya naam hai Shishupal aur Dantavakra, ha ye log vastav mein bhagwan ke bhag the Vaikunth mein. भगवान को भगवान से युद्ध करने के लिए वो राक्षसों का रूप धारण किए, भगवान से युद्ध करने के लिए. इसलिए भगवान जब असुरों को मारते तो खेलते उनसे. तो मतलब ये तो जय विजय नहीं है जो दुशासन क्या है खारा और दूषण है, फिर भी बहुत पावरफुल है ये लोग. क्योंकि ये दूषण कारण और रावण विभीषण सब लोग बहुत तपस्या करते थे और ये तपस्या जब करते थे बहुत शक्ति प्राप्त किया. तो इस प्रकार युद्ध हुआ और जब राम ने ये जो खारा को मारा, कैसे एक विशेष तीर मारा जिसको तीर जब लग गया उनके दिल में वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब पूरा फ्लेम मतलब आग बॉम्ब जैसे था, जो आग निकल गया उससे, तब वो मर गया. तो ऐसे भगवान राम की जय, जय श्री राम, जय मतलब राम ने विजय प्राप्त किया. 2 घंटे में सारे असुरों को मारा. देवी देवता ऋषि मुनि फूल वर्षा करते थे, बहुत अजीब बहुत अद्भुत तरीक़े से उनने भगवान अकेले सबको मार दिया. तो ये अजीब ये अद्भुत हुआ और सब ऋषि मुनि तो संतुष्ट थे क्योंकि अभी फाइनली वो अपनी धर्म को पालन कर पाएंगे. तो हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जब भगवान बताते परित्रणाय साधुनाम विनाश च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ असंभवम योगी योगी, इसी श्लोक को देखकर जिस जहाँ पर भगवान बताते कि मैं भक्तों की रक्षा कर रहा हूँ, असुरों को विनाश कर रहा हूँ और धर्म को स्थापित कर रहा हूँ, ये तीन चीज में एक संबंध है सारे तीनों का. क्योंकि धर्म संस्थापन है, धर्म कौन पालन कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ये जो वास्तविक साधु हैं परित्रणाय साधुनाम. अगर साधुओं की रक्षा होगा तब धर्म हो पाएगा. तो जो बीच में है असुर दुष्कृति, वो ही दुष्कृति साधुओं को रोकते धर्म पालन करने में, परेशान करते और तब अधर्म हो रहा है. और खुद असुरिक लोग जो दुष्कृति है अधर्म करते, वो कुछ पालन ही नहीं करते. ने हम देखा वो जो असुर पे लेते वो जब सीता को पकड़ ले वो सोचा नहीं कि ये कोई दूसरी व्यक्ति के पत्नी है, पकड़ लिया और चले गए. उनका कोई मर्यादा कुछ भी नहीं है बस. और बाकी जो राक्षस है हमेशा जो दूषण खा रहे थे वो लोग ने इतना सारे यज्ञों को जूटा कर दिया और ऋषियों को मारा, खून पिया. तो ये अधर्म है. तो जब भगवान भक्तों की रक्षा कर रहे और असुरों को मारते अपने आप धर्म की स्थापना हो रहा है. तो इस प्रकार आजकल भी एक वीडियो आया अभी कोरोना वायरस बोलते कि एक्चुअली ये लोग कुछ और करना चाहते हैं. कोरोना वायरस केवल नाम दिया, मतलब पूरा आर्थिक परिस्थिति को रोकना है और नया एरा को शुरू करना, इसे पूरा विश्व में सबको घर पर रहना, ये करना. और अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी, नया इंटरनेट, नया सब कुछ शुरू करना है, जिससे जिसमें विश्व में जो थोड़ा सा लोग हैं जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सारे जो लोग हैं सबको कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से. तो वास्तव में ये क्या है, ये असुर है, ये असुर है. और इसमें एक पॉइंट आता है कि सारे जो धार्मिक
गैदरिंग्स हैं उसको रोकना है, क्योंकि उसी के वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हायर पावर है भगवान की, जब बाक लोग कोई भी धर्म के एकत्रित हो जाते और भगवान की प्रार्थना करते, ये गुणगान करते, कीर्तन करते, तब ये असुरों का प्रभाव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये लोग जानते हैं, इसीलिए विशेष ये है कि गैदरिंग नहीं करना मंदिरों में कोरोना वायरस के वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये नहीं है। प्रार्थना जब हो जाते एक साथ, तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है एकत्रित हो जाते वहाँ भगवान की कृपा, तो असुर वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। इसे असुर इंटेलिजेंटली ये करते कि ये आप लोग ये नहीं करना है, लेकिन असुरों का प्रभाव से हम बच सकते, हम खुद नहीं परंतु भगवान की कृपा जो हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए कलयुग में संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, हरि नाम संकीर्तन कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। और विशेष परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजय की संभावना है केवल श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम लोग एक साथ ये कीर्तन करते हैं तो परम विजय मतलब जो विक्टरी है, जो विजय है वो गारंटी है, ये स्वयं भगवान ने कहा। तो मतलब कोई जितना भी असुर अपना कृत्रिम इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि लगाएंगे, जितना भी कंट्रोल करना चाहेंगे, जब भी उनका जो शक्ति है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो जितना भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई रोक ही नहीं सकते हैं। लेकिन भक्तों के ऊपर है कितना हम शुद्ध तरीक़ा से भगवान का नाम जप करेंगे, हमें खुद शुद्ध तरीक़ा से रहना है, क्योंकि असुरों का प्रभाव है। अगर हम अशुद्ध हैं, अगर हम पाप करते हैं, अगर हम भी असुर जैसे व्यवहार करते हैं, तो तब असुरों का प्रभाव होगा। ये रामायण में ही आता है। एक जगह एक ऋषि ने कहा राम को, कौन सी जगह था कि राम को आगे जाना था, आई थिंक दंडकारण्य जाना था उस समय। तो एक ऋषि ने कहा कि बहुत ध्यान रखो, वहाँ पर बहुत सारे असुर हैं, और वो असुर कब अटैक करते, अगर व्यक्ति अशुद्ध है, अगर खाने के बाद मुंह और हाथ नहीं धोया, अगर अशुद्ध व्यक्ति है, तब ये राक्षस बहुत जल्दी अटैक करते हैं। ये इसी बुक में लिखा रामायण में। तो ये हमें समझना है कि ये हाथ धोना खाने के बाद, खाने से पहले प्लेट धोना, पोछा लगाना खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोना पोछा लगाना, ये सब जो नियम है वैदिक शास्त्रों में, जो संस्कृति है भारत में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुद्ध, जब हम शुद्ध तरीक़ा से रह रहे, तो जो अशुद्ध चीज है, जैसे कि भूत प्रेत और राक्षस और असुरों का प्रभाव, वो ऊपर हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सत्वगुण में रहने से हम भगवान की तरफ जाते हैं। और ऑफ कोर्स सत्वगुण को भी पार करना है, मतलब ये केवल निस्वार्थ भाव से, जब हम सीधा भगवान की सेवा करते, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भक्ति, तो तब हम लोग ये पूरा अंधकार को पार कर सकते हैं। और विशेष जब हम श्रवण करते भगवान के बारे में, ये एक और उपाय है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भिक्षा कलो नाष्टम दृशामेशा पुरानार को दुनोदिता, कि जब भगवान जाते इस पृथ्वी से अपने धाम, तो धर्म और ज्ञान उनके साथ चले जाते। परंतु ये अंधकार जो कलयुग से, कलयुग का प्रभाव जो है, कलौ नष्ट दृशम, कलयुग अंधेरा है, वो अंधेरा लोगों का दृष्टि को नष्ट कर दिया। परंतु ये अंधेरा को नष्ट करना और दृष्टि वापस देना लोगों को, कैसे, पूरा नार को दुनोदिता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे ग्रंथ जैसे रामायण,
श्रवण करने से तो लोगों का जो दृष्टि है वापस आएगा। तो ये दवाई है, ये दावा है कि हम श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान के बारे में निरंतर नित्यम भागवत सेवा, तब हम सुरक्षित है असुरों से, बीमारियों से, जो भी कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अभी के लिए समाप्त करेंगे और आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी बस राम दंडकारण्य में है, मतलब पंचवती में पहुंच गए, वहाँ पर खारा और दूषण समाप्त हो गया शूर्पणखा का। अभी रावण के पास जाएगी और आगे भी एक्चुअली दो व्यक्ति जाएंगे उनको समझाने के लिए, तो इसके बारे में बात होगा नेक्स्ट टाइम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।